मध्य प्रदेश में शराब के दाम घटाए जाने को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर हमलावर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती ने एक बार फिर शराबबंदी का राग छेड़ते हुए अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। उमा भारती ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस संदर्भ में मेरी प्रथम चरण की बातचीत आरएसएस के वरिष्ठ स्वयं सेवकों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हो चुकी है। मैं अगला चरण 14 फरवरी के बाद प्रारंभ करूंगी। मध्य प्रदेश में शराबबंदी नशाबंदी होकर रहेगी।